हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते कि प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अपनी बुक के पेज नंबर 104 पर आपको प्रश्न दिख जाएंगे इस पाठ के, उनके हम उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इस पाठ की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दे दी है, जाकर देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो निबंध से है, जो कि है, जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि लोगों के पास जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसका उपयोग वे नहीं करते, इसलिए हेलेन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रश्न 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रश्न संख्या 105 पर प्रश्न 3 मिलेगा, कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों हुआ? तो एक बार हेलेन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलेन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा, तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं। प्रश्न 4, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? बाट पढ़कर इसका उत्तर लिखो। हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वे छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। तो ये उत्तर नंबर 4 होगा। प्रश्न 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर, इन पंक्तियों में हेलेन केलर ने जिंदगी में आंखों के महत्व को बताया है। वह कहती हैं कि आंखों के सहयोग से हम अपने जिंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। निबंध से आगे इसका प्रश्न 1 है, कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो, अगर हम कान से नहीं सुन पाते तो कैसा होता? कान से ना सुनने पर आसपास की दुनिया एकदम शांत लगती होगी। हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते, केवल चीज़ों को देखकर हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे जिन लोगों की आंखें नहीं होती वो छूकर समझने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ क्या है, वैसे ही जो लोग सुन नहीं पाते वो लोग देखकर ही चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 2, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। देखो, जैसे चाय है, चाय कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वो आप छूएंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो गर्म है या ठंडी है। बर्फ़ की ठंडक, घास की नरमी, कपड़े का गीलापन, ठीक है। प्रश्न 3, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनना, चखना, सूंघना, छूना। सुनने से हम संगीत सुनते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, पशुओं की आवाज़ सुनते हैं। चखना से तीखापन, मिठास, नमकीन, ये सब हम चख सकते हैं। सूंघने से फूल, इत्र का सुगंध, कीचड़ का दुर्गंध, सब हम सूंघ सकते हैं। छूने से हम गर्म, नरम, ठंडा, मुलायम सब चीज़ छूकर पता लगा सकते हैं। अब 106 प्रश्न संख्या पर आपको और प्रश्न दिए गए हैं भाषा की बात से। प्रश्न 1 में है, यहाँ आपको व्याकरण के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं पाठ में, तो नीचे आपको कुछ और ऐसे ही शब्द दिए गए हैं स्पर्श से संबंधित, तो बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है? चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लजा, उबड़ खाबड़, सख्त या भुरभुरा। तो किन किन चीज़ों का जो स्पर्श है, छू, मतलब जब हम छूते हैं तो जो चीज़ हमें चिकनी लगती है, कपड़ा हो सकता है, ठीक है, कपड़े चिकने होते हैं। चिपचिपे क्या चीज़ लगती है? गोंद। मुलायम रुई होती है। खुरदरा घड़ा। लजा शहद। उबड़ खाबड़ सड़क हो सकती है। सख्त पत्थर। भुरभुरा गुड़। ठीक है,
प्रश्न संख्या 107 पर आपको प्रश्न 2 मिलेगा, जिसमें है अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। सुंदरता पर अंडरलाइन है। रेखांकित संख्याएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संख्याएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी दशा और किसी कार्य के से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी। उत्तर हो जाएगा क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा घबराना से घबराहट, बहाना से बहाव। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बूढ़ा से बुढ़ापा, ताजा से ताजगी, भूखा से भूख, शांत से शांति। तो विशेषण है बूढ़ा, ताजा, भूखा, शांत, है ना। तो इनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, बुढ़ापा, ताजगी, भूख और शांति। मीठा से मिठास और भोला से भोलापन। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा मजदूर से मजदूरी। भाववाचक संज्ञा क्रोध और फुर्ती शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जो किसी और क्रिया विशेषण या जातिवाचक संज्ञा से नहीं बने, वो खुद ही भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 3, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदि हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। तो जो देखने में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे अवधि और अवधि, इनको हम कहते हैं समरूपी शब्द। मैं और मैं, मेल और मैला, और इनको आप बोलोगे तब भी आपको ये सेम लगेंगे, है ना। तो होमोफोन्स हम कह सकते हैं, देन, दीन, सिल, सील, ठीक है। तो अवधि, यह पैसा 2 महीने की अवधि में लौटाना है। अवधि, कवि तुलसीदास ने अवधि भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं। अवधि जो है, जिसमें बड़ी की मात्रा है, वो एक भाषा है। अवधि का मतलब जो टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो दोनों अवधि जो है देखने में समान है, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। मैं, चाय में चीनी डाल दो, और मैं तुमसे दुखी हूं, मैं यहां पर खुद के लिए यूज किया गया है, और मैं यानी किसी चीज में ये कर दो, और चाय में चीनी डाल दो, या दाल में नमक कम है, तो मैं अलग है और मैं अलग है। मेल, दोनों भाइयों में कोई मेल नहीं है। मैला, यह कपड़ा मैला हो गया है। और ये दोनों तो बोलने में भी सेम लगते हैं। और का मतलब इसकी ओर इशारा मत करो, ठीक है, उसकी तरफ, ठीक है। और का मतलब एंड, ठीक है, मुझे कलम और कागज दो, इस और का मतलब है एंड, और इस और का मतलब है उसकी तरफ, ठीक है, तरफ एक तरीके से उस डायरेक्शन में। तो आगे हम देखते हैं, दिन, दीन, दिन, राम 4 दिनों से गायब है। दिन यानी डेज, दीन, रामू बहुत दीन है, ठीक है, तो दोनों अलग हैं। सिल, सिल पर पिसे मसालों को लाओ। सील, इस बोतल की सील तोड़ो, तो ये दोनों भी अलग हैं। सो बस यही आपके प्रश्न उत्तर थे, आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।